हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टेक्नोलॉजी की बुक है, ठीक है, उसके जो एमसीक्यू हैं उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट वन है और इस पे अप्रॉक्स 70+ क्वेश्चंस होंगे। देखिए, ये पहला चैप्टर का हो गया। पहले चैप्टर में है 27 और सेकेंड में है 43 है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चंस हो गए और इसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड और फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जिनको आता है अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा जो ये टॉपिक्स हैं हमारे, एक्सप्लेन करके, मतलब ये थोड़ा सा डीपली आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आज का पेपर आप लोग खुद ही जानते हैं कि कैसा आया था। और अगर आप लोग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर तुक्के ही लगेंगे, ठीक है। और कुछ तो ऐसा था कि क्वेश्चन से हिल भी नहीं रहे थे, ठीक है। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा बहुत अच्छा गया है उनका, और जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुई है तो वो तुक्के ही लगा के आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि अभी तो नोट्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं फुल फॉर्म दूंगा, फुल फॉर्म वाला, अभी जो मैंने 7 टाइप से बताया था। तो देखिए, फुल फॉर्म इस पे आएगी, कन्फर्म है टेक्नोलॉजी में, जैसे कि फिजिकल साइंस में भी आई थी और इस पे भी आएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद फुल फॉर्म के बाद जो हमारे ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स भी इस पे हैं। तो अभी कुल मिला के ये है कि नोट्स बना रहे, तो जो भी होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अलग से करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते। पहले तो इस पे दिया गया, शिक्षा तकनीकी से साथ तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कला तथा विज्ञान में मध्य स्थता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा तकनीकी का मुख्य रूप है, तो कौन सा रूप हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन भी है, शिक्षा तकनीकी भी है और व्यवहार तकनीकी भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड में दिया गया, शिक्षण का मुख्य तत्व है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा, दोनों तत्व हैं, पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु भी है और संप्रेक्षण भी है। फिर है अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो सभी बोलते हैं, प्रणाली विश्लेषण भी बोलते हैं, प्रशिक्षण तकनीक भी बोलते हैं और पृष्ठपोषण सिद्धांत भी बोलते हैं। किसको, अनुदेशात्मक प्रारूप को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिर इसके बाद दिया गया, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया, तो किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी लोगों ने मिलकर करा, तो क्या हो जाएगा, बी एफ स्किनर हो जाएगा। फिर नॉर्मस ए क्राउडर हो जाएगा, फिर थॉमस गिलबर्ट ने किया, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया, शिक्षा तकनीकी का योगदान है, तो किस पे योगदान हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा तकनीकी का व्यवहार, शिक्षा तकनीकी का योगदान है, तो किस पे योगदान है इनका, तो शिक्षा में माध्यमों का उपयोग और दूरवर्ती शिक्षा का विकास और शिक्षा में मशीनों का उपयोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण से प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस व डेविस ने, ठीक है। तो DL याद, लॉरेंस है ना, तो LD हो जाएगा। तो वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं DL ही से याद कर लीजिए आप लोग, DL, ठीक है, DL से याद रहेगा। लॉरेंस का L हो जाएगा और D से क्या हो जाएगा, डेविस हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है, तो DL ने करा, DL से। देखिए ऐसे तो अगर रटेंगे तो फिर बहुत ही टाइम लग जाएगा, और प्लस एग्जाम के टाइम पे आप लोग खुद ही देख रहे कथन वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया थे, एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग हो गया, पता नहीं कथन कहाँ से बुक्स में भी हैं, बट वही है कि जिसने डीपली पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा है, बाकी ऊपर वाले नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक दो कथन मिल जाए तो वो एक अलग है, बट क्वेश्चन ऐसा करिए कि ऐसे जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैक में बना लीजिए, कि अगर क्वेश्चन आए जैसे कि इस पे क्या है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर DL है। अब DL आपके दिमाग में घूमता रहेगा क्योंकि इस पे हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो DL याद रखेगा, और D से क्या हो जाएगा, डेविस, और L से क्या हो जाएगा, लॉरेंस, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर इसके बाद दिया गया, शैक्षिक तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग, तो अब ये देखिए किसका सर्वप्रथम प्रयोग, तो शैक्षिक तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसके आंसर हो जाएगा ब्राइमर ने करा, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाले, तो किसने किया था, ये ब्राइमर ने करा था। फिर इसके बाद है टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि
आते हैं तो किस में आएंगे, ये हार्डवेयर उपागम में आएंगे। फिर इसके बाद है ई उपागम का उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है, ऑनलाइन शिक्षा में किया जाता है, दूरवर्ती शिक्षा या मुक्त शिक्षा में किया जाता है, और दूरवर्ती अधिगम व शिक्षण में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है ई अधिगम का साधन है तो ई अधिगम का साधन कौन सा हो जाएगा, तो नेटवर्क भी है, इंटरनेट प्रणाली व मोबाइल भी है, और संचार माध्यम भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी दोनों, तो शिक्षा तकनीकी भी है और शिक्षण शास्त्र भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद दिया गया है ई अधिगम, ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया है तो किसमें महत्व दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अध्ययन कौशल में, अध्ययन कौशल को भी किया है और लेखन के कौशल को भी किया है और बोलने के कौशल को भी, ठीक है, तो इसका कौशल है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। और फिर ई अधिगम की विशेषता है तो कौन कौन सी विशेषता हो जाएंगी, लचीलापन भी है, मितव्ययी भी है और मुक्त परिस्थिति भी है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया ई अधिगम का माध्यम है तो माध्यम का क्या हो जाएगा, तो टंकन माध्यम भी है, संचार माध्यम भी है और दृश्य श्रव्य माध्यम भी है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन। फिर है ई अधिगम्स में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य वस्तु के स्वरूप में, और फिर है पाठ्य वस्तु की गहनता में, और फिर इसके बाद शिक्षण आयाम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ई अधिगम का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय समुदाय द्वारा और भूमंडलीय समुदाय द्वारा और जीवन पर्याप्त अधिगम में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये डी वाले ऑप्शन देखिए इजी तो लगते हैं, बट अगर इनमें से एक भी ऑप्शन इधर से उधर कर दिया गया तो उस पर दिक्कत हो जाए, क्योंकि आदत पड़ जाती है कि तीन ऑप्शन सही होंगे तो टिक तुक्का लगा दो सीधे डी, बट तीनों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, अगर एक भी गलत लग रहा है तो डी पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब देखिए ऑप्शन आपको पढ़ना ज़रूरी है, डी वाले ऑप्शन से सीधी सी बात है नहीं जाना है, सारे जब ऑप्शन आपको सही लगें तभी आप डी पे जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि ये वाले क्वेश्चन से ज़्यादातर की यही होता है कि डी ही ऑप्शन होगा, बट कोशिश ये करिए कि पहले आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर इसके बाद डी ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं, ई अधिगम्स में सीमा होती है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। फिर है ई अधिगम का उपयोग किया जाता है तो किस पे प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन, तीनों में प्रयोग किया जाता है, ज्ञानात्मक विकास में भी, भावात्मक में भी और क्रियात्मक में भी करा जाता है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 और इस पे दिया गया मानव प्रकृति की अवधारणाओं को दिया है तो किसने दिया है, स्काउट ने दिया है, स्कांट ने दिया है। और फिर शिक्षा अधिगम्स प्रबंधन का प्रत्यय है तो कौन सा हो जाएगा, आई के डेविस ने दिया है ये। और फिर है शिक्षण अधिगम्स प्रबंध का सोपान है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, नियोजन भी है, अग्रसर भी है और व्यवस्था तथा नियंत्रण भी है, ठीक है। अब ये दो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को दिया था किसने दिया था, स्कांट ने दिया था। और फिर शिक्षण अधिगम्स प्रबंध का प्रत्यय दिया था किसने दिया था, आई के डेविस ने, ठीक है, तो हो सकता क्वेश्चन आ जाए ये वाले। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया शिक्षण को उच्चतम से व्यावसायिक प्रक्रिया माना है तो किसने माना है, आई के डेविस ने माना है। फिर है शिक्षण अधिगम से प्रबंधन के सोपान होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा चार सोपान होते हैं। फिर मेगर के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार बनाया तो किसने आधार बनाया, सो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को, मेरे ख्याल से ये वाला को जो ऑप्शन है, और ये कुछ चीज़ें तो याद ही हो गई, जैसे कि हार्बर्ट के पांच पद हैं और इसके ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये सब याद ही हो गया होगा आप लोग, क्योंकि कितने बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद 27 में दिया गया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है तो क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट के, और इस पे दिया गया पहला क्वेश्चन है, जेएस ब्रूमर ने विकास किया तो किसका विकास किया था, डी ऑप्शन, खोज व्यू रचना का विकास किया है, और खोज व्यू रचना का विकास किया है तो इसका आंसर हो जाएगा जेएस ब्रूनर हो जाएगा। और स्वामित्व अधिगम्स व्यू रचना के प्रवर्तक हैं तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी एस ब्लूम, ठीक है। तो एक सेकेंड, ब्रूनर और ब्लूम को याद रखिएगा, देखिए ब्रूनर है ऑप्शन इसका,
ठीक है, ये ब्रूनर है और ब्लूम है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जे एस ब्रूनर ने विकास किया था खोज व्यू रचना का, और खोज व्यू रचना का विकास किया है जे एस ब्रूनर ने, और स्वामित्व अधिकांश व्यू रचना के प्रवर्तक कौन है, बी एस ब्लूम। फिर इसके बाद दिया गया है एक सेकेंड, ये खोज व्यू रचना हो गया, ये तो डी हो जाएगा, खोज व्यू रचना का विकास किया था जे एस ब्रूनर ने, ठीक है, और स्वामित्व, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं प्रजातांत्रिक व्यू रचना में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, सामूहिक निर्वाह और संवेदनशील प्रशिक्षण एवं मस्तिष्क संवेदन। फिर एक तंत्र व्यू रचना रचनाओं में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है शिक्षण व्यू रचनाएं निम्न प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की हो जाएंगी, ए और बी दोनों, तो प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया गया है सेवन्थ नंबर में शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है, तो किसका अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है। ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, पहले वाले मतलब कि फिजिकल साइंस में। और फिर है व्यक्तिगत भिन्नता की व्यू रचना है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेश, ठीक है। तो ये थोड़े से जो ये वाले पॉइंट्स हैं ना, क्या अंतर है क्या वगैरह वगैरह वाले, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन ये रखे जाते हैं, पुटअप हो रहे हैं। ये मान के चलिए कि 75 में से अगर आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो चार क्वेश्चंस, तो 20 मान लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है उस पर से मिलेंगे, बाकी के कुछ नोट्स भी मिलेंगे, बाकी के आपको जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रोवाइड करें मटेरियल जो एग्ज़ाम में आए, बट एग्ज़ाम जो पेपर जो भी बनाता है भाई वही जानता है कि कहाँ से क्या टॉपिक दिया गया है। हम लोग का क्या है कि हम लोग बस मतलब कि टॉपिक्स ये होता है कि हाँ एक गैस होता है कि हाँ ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक है, बाकी फिर एग्ज़ाम हॉल के एग्ज़ाम हॉल ही में पता चलता है कि क्या कैसा चल रहा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है सुकरात की शिक्षण व्यू रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर, रिपीटेड क्वेश्चन से अक्षय प्रश्नों की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी, उद्देश्य की प्राप्ति, उत्तेजक विचार और निश्चित उत्तर। फिर है प्रश्न में निम्नलिखित में से या दोष नहीं कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, क्रमबद्धता। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया उत्तर निकलवाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो प्रश्नों का उचित वितरण हो और सामूहिक उत्तरों की अवहेलना की जाए और उत्तरों के प्रति धैर्य हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस। फिर है प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर स्वतंत्रता भी है, स्वदेशता भी है और फिर सामाजिक विकास भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और कक्षा में दिया गया गृह कार्य, तो कैसा होना चाहिए, इन सभी तरह का हो, चुनौती देने वाला हो, क्रमित हो और व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित हो। देखिए कक्षा वाला जो गृह कार्य वाला क्वेश्चन है, ये भी आज भी क्वेश्चन आया था और फिजिकल साइंस में भी आया था, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अभी हम लोग देख लेंगे इसको। और फिर इसके बाद दिया गया ब्लूम स्वामित्व अधिकांश व्यू रचना में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्बलन को भी, उपचार को भी और व्यक्तिगत अधिगम त्रुटियों को भी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रोजेक्ट परियोजना विधि के जन्मदाता हैं, तो इसका आंसर देखिए रिपीटेड है, किलपैंथ्रिक, बहुत बार आप लोगों ने देखा ये वाला। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया किसने कहा प्रोजेक्ट एक स्वदेश प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलपैंथ्रिक हो जाएगा। और मे भी शायद ये वाला क्वेश्चन आए भी इस बार, क्योंकि अभी तक आया नहीं है ये। और फिर किलपैंथ्रिक ने परियोजना विधि के भेद बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक प्रोजेक्ट और समस्यात्मक प्रोजेक्ट और रसास्वादन प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस। और फिर वह विधि जिसके आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भ्रमण विधि। और वह विधि जो ज्ञानेन्द्रिय से सीखने की विधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से भ्रमण विधि हो जाएगा। और फिर है समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सोपान है, सी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दिया गया परियोजना एवं समस्या समाधान विधि में अंतर है, तो किसका अंतर हो जाएगा, निष्कर्षों की दृष्टि में अंतर होता है ये, तो परियोजना एवं समस्या समाधान विधि में अंतर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्षों की दृष्टि में। फिर दिया गया परियोजना विधि के जनक किस देश के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अमेरिका के हैं ये।
और तो इसके बाद दिया गया छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परियोजना विधि के, फिर से रिपीट हो गया, किलपैट्रिक हो जाएगा इसका आंसर, किलपैट्रिक। और परियोजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित तो होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। और निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, अनुभव का सिद्धांत भी है, उद्देश्य का सिद्धांत भी है, और क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है। फिर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का पद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा योजना का निर्माण करना। फिर है वाद विवाद, और एवं एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं, यह परिभाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जेम्स एमली की है। वर्ष 1918 तक किस विधि का रूप स्पष्ट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा परियोजना विधि का। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षा की कौन सी विधि नवीनतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई विधि। और निम्नलिखित में से कौन सी विधि विवादास्पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। फिर दिया गया क्वेश्चन इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक को सक्रिय रहता है, अध्यापक जो है सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि में क्या होता है, अध्यापक जो होता है सक्रिय रहता है और छात्र जो होते हैं निष्क्रिय रूप में बैठे रहते हैं। फिर इसके बाद दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा योजना का निर्माण। ठीक है, तो ये योजना का पद नहीं है। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 मस्तिष्क प्रबलन से संवेदन से आव्यूह, ठीक है, का विकास किसने किया था, तो ओस्पर्न ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है पूछा जाए ये वाला, क्योंकि ऐसे वाले भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण विधियों एवं शिक्षण से व्यू रचनाओं में अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य का अंतर होता है, उद्देश्यों का। और मानव प्रकृति की अवधारणाओं को दिया, तो किसने दिया था, तो स्कांट ने दिया था इसको, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को। और फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रबंध का प्रत्यय है, प्रत्येक दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आई के डेविस ने। और शिक्षण अधिगम प्रबंध का सोपान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, नियोजन भी है, अग्रसर भी है, और व्यवस्था तथा नियंत्रण भी है। फिर दिया गया है शिक्षर्स को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई के डेविस ने। और शिक्षण से अधिगम से प्रबंधन के सोपान होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चार। और फिर इसके बाद दिया गया मेगर के उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बुक का पार्ट फर्स्ट है ये, और इसमें हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं सोच रहा था रात में डाल दूं, जैसे कि सोते समय टैबलेट के जैसे आप लोग यूज़ कर सकें, इसको खाएं और सो जाएं। ठीक है, मतलब कि वीडियो देखें और फिर इसके बाद आप लोग सो जाएं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू ये वाला बुक से तो हो ही जाएगा, प्लस अभी क्या है ना, अभी नोट्स पहले मैं तैयार कर लेता हूँ कि क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म वाला देखिए बहुत ज़रूरी है, वो कम से कम अभी मैंने अभी नोट करें तो लमसम 15 के लमसम मिल चुके हैं, बट मैं ये सोच रहा था कि जितना पूरा हो जाए पूरी बुक का मैं देख लूँ, फिर इसके बाद प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे, कल तो वैसे भी पूरा करना पड़ेगा, दिन में ही उसको प्रोवाइड करेंगे रात में, और इंपॉर्टेंट जो नोट्स होंगे उसको भी देखते रहेंगे धीरे धीरे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे, आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, बस यही है। ठीक है, धन्यवाद।